नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी मैं आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका साल कैसा जाएगा, उनका वर्षफल क्या रहेगा ये बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 28 मार्च 2024 है, चैत्र का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी शाम 6:56 तक और उसके बाद चतुर्थी, स्वाति नक्षत्र रहेगा शाम 6:38 तक और उसके बाद विशाखा, हर्षण योग रहेगा रात्रि 11:13 तक और उसके बाद वज्र योग। हर्षण योग की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी कार्य इस योग में किए जाते हैं सभी किसी ना किसी तरह से खुशी ही प्रदान करते हैं, लेकिन सयाने लोग इस योग में प्रेत कर्म यानी पितरों को मनाने वाले कर्म न करने की सलाह देते हैं। राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 से 3 तक, दिशाशूल रहेगा दक्षिण, तृतीया को परवल खाना शत्रु वृद्धि करता है ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड में कहा गया है। बात करते हैं राशिफल की। मैं बता देती हूँ कि राशिफल मैं चंद्र राशि से या नाम राशि से बताती हूँ। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए शाम 6:38 तक समाज सेवा के लिए धनराशि आप लोग दान कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा के योग बनेंगे। बेनामी प्रॉपर्टी न मिलने से टेंशन रह सकती है। शाम 6:38 के बाद अपनी मेहनत और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, नए मित्र बनेंगे, धर्म के कार्यों में रुचि होगी। वृषभ राशि शाम 6:38 तक असंतोष और टेंशन रहते हुए भी आप कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, भाग्य आपके साथ है, घबराए नहीं। 6:38 के बाद में आज शाम आपका दिन कठिन रह सकता है, इस दौरान प्रॉब्लम्स और लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, लकी अपॉर्चुनिटीज या एग्रीमेंट्स में बाधा आ सकती है। मिथुन राशि शाम 6:38 तक उच्च पदवी की नौकरी या व्यवसाय आपके जीवन का केंद्र बिंदु रह सकते हैं। समाज सेवा के कार्यों में कुछ समय व्यतीत होगा। शाम 6:38 के बाद ऊंची पदवी मिलने से नाम और शोहरत मिलेगी, अपनी मनचाही नौकरी भी कर सकते हैं आप, सबसे मिलकर प्रेम से आगे बढ़ेंगे आप। कर्क राशि की बात करते हैं। शाम 6:38 तक जरूरत से ज्यादा न खाएं, पौष्टिक भोजन ग्रहण करें। विद्यार्थी मेडिकल या लॉ पढ़ने का मन बना सकते हैं। शाम 6:38 के बाद लॉयर्स, मेडिकल रिसर्च के स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। अगर आपकी ऑफिस में सहकर्मी से कोई झड़प हो तो टेंशन बढ़ सकती है। सिंह राशि की बात करते हैं। शाम 6:38 तक ऑकल्ट में रुचि बढ़ी रहेगी, घर में ही रहकर मेडिटेशन करें, बाहर जाना टाल दें, संतान से टेंशन हो सकती है। शाम को 6:38 के बाद धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, नए संबंधों के साथ अच्छा समय बीतेगा, उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है, किसी भी प्रपंच में न फंसे। कन्या राशि की बात करते हैं। शाम 6:38 तक प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए समय अच्छा रहेगा, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ समय अच्छे बीतेगा। शाम 6:38 के बाद आज घर पर ही रहें। जिन जातकों को हृदय से संबंधित समस्या है वे सावधान रहें, माँ की ओर से परेशानी हो सकती है, पार्टनरशिप में चीटिंग मिल सकती है, जीवन साथी के साथ ससुराल जा सकते हैं आप। बात करते हैं तुला राशि की। शाम को 6:38 तक एडवर्टीजमेंट से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, गला चेक कराने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। शाम को 6:38 के बाद घर से दूर जाना पड़ सकता है, बैंक ऑफिशियल्स, फाइनेंसर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, कुक्स आदि के लिए दिन अच्छा रहेगा, इन्फेक्शन से बचें। वृश्चिक राशि शाम 6:38 तक संतान पर धन खर्च हो सकता है, कला में, खेल में या धर्म में रुचि रह सकती है, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। शाम 6:38 के बाद में महंगी वस्तुएं खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं आप, बैंक ऑफिशियल्स, फाइनेंसेस, डॉक्टर्स, स्पोर्ट्स, कला
के क्षेत्र के लोगों को लाभ होता दिख रहा है। धनु राशि की बात करते हैं, शाम 6:38 तक माँ के साथ समय घर पर रहकर ही बीतेगा। शिक्षा को लेकर विचार कर सकते हैं, वाहन खरीदने का भी मन बना सकते हैं। शाम 6:38 के बाद अपनी मेहनत से अपने सपने साकार करेंगे। मकर राशि, शाम 6:38 तक विदेश सेटलमेंट के योग बनते हैं, एडवर्टीजमेंट पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, घर से दूर की यात्रा के योग बनते हैं, लेखन के कार्य में मन लगेगा। 6:38 के बाद विदेश में सेटल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, गुप्त तरीके से काम कर सकते हैं, ट्रांसफर होते होते रुक जाएगी। कुंभ राशि, शाम 6:38 तक सफलता हाथ लगेगी, दोस्तों की मदद करके खुशी मिलेगी। शाम 6:38 के बाद मित्रों के साथ आज समय अच्छा बीतेगा, लेखन के कार्य में रुचि। मीन राशि, शाम 6:38 तक मान सम्मान की प्राप्ति के साथ साथ व्यवसाय में सफलता मिलती दिख रही है, सोचा हुआ कार्य करना आपकी प्रमुखता रह सकती है। 6:38 के बाद प्रमोशन से निर्मल सुयश मिल सकता है, धन कमाने के तरीकों पर विचार करेंगे आप। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक दिन एक ऊंट किसी प्रकार अपने मालिक से नकेल छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ और वह भागा भागा और सीधे भागता गया पश्चिम की ओर भागा और वहां तक जहां रास्ते में एक नदी आ गई। अब आगे भागने का रास्ता बंद हो गया। वह रास्ते में हरे भरे खेत, पत्ते भरी झाड़ियां और खूब घने नीम के पेड़ छोड़ आया था। वह चाहता तो अपनी ऊंची गर्दन उठाकर पत्तियों से पेट भर लेता, लेकिन वह वहां से दूर भाग आया था। सामने चौड़ी गहरी धारा बह रही थी, पीछे ऊंचा कगार खड़ा था और दोनों ओर दूर तक रेत ही रेत थी, कहीं हरियाली का नाम तक नहीं था। बेचारा ऊंट वहां आकर खड़ा हो गया और जब थक गया तो बैठ गया। वह डर के मारे बलबला भी नहीं सकता था, कहीं ऊंट वाला आकर उसे पकड़ ना ले। उसे खूब भूख लगी थी, लेकिन पानी के सिवा यहाँ था भी क्या, वह लाचार था। 2-3 दिन बीत गए, भूख से ऊंट अधमरा हो गया। उसी समय एक कौवा आया, उसे ऊंट की दशा पर दया आ गई। उसने कहा, ऊंट भाई मैं उड़ता हूँ, तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें हरे खेत तक पहुंचा दूंगा। ऊंट बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कौवे को धन्यवाद दिया, चलने को तैयार हो गया। उसी समय उसे याद आया और उसने पूछा, भाई उस खेत में कभी आदमी तो नहीं आता? कौवा हंस पड़ा, उसने कहा, भला हरा खेत आदमी के बिना कैसे होगा, तब तो मैं यही अच्छा हूँ। ऊंट ने खिन्न होकर कहा, यहाँ तो तुम भूखो मर जाओगे। कौवे ने समझाया, लेकिन यहाँ रात दिन नकेल डालकर कोई सताया तो नहीं करेगा। ऊंट ने संतोष एवं गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया, सच तो है, पराधीन सुख सपने हो नाही। ये थी आज की कहानी। बात करते हैं बर्थडे की। सबसे पहले आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंजॉय योर ईयर। बात करते हैं आपके वर्षफल की। 2024 आपके लिए नई उमंग, आशा व सफलता लेकर आया है। आपके लिए आने वाला साल नई शुरुआत और नई ऊर्जा का है। यह एक ऐसा वर्ष हो सकता है जिसमें आप महत्वपूर्ण मोड़ का अनुभव करेंगे या आप नई परियोजनाएं या लक्ष्य शुरू कर सकते हैं जिनका आपके जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। इस वर्ष आप अपने पिछले रुके हुए काम सरलता से निपटा लेंगे। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनकी इस वर्ष नौकरी लग जाएगी। अगर आप इस वर्ष मेहनत करेंगे तो आपको अपने वाले समय में बहुत सुखद परिणाम मिलेंगे। इस वर्ष आप अपने सामाजिक या प्रेम जीवन में कोई विशेष निर्णय ले सकते हैं। यह अपने आप को विशेष कार्यों के लिए प्रतिबद्ध करने का एक अच्छा समय है। वर्ष में रचनात्मक उपलब्धि, मजबूत अंतर्ज्ञान और स्वस्थ संतुलन हो सकता है। गुरु की या बड़ों की आशीर्वाद से एक नया मुकाम पर आप पहुंच सकते हैं। यह प्यार, लगाव, पिछले अनुभवों और परिवार से सीखने का एक शक्तिशाली समय है।
अद्वितीय उपयोगी विचारों के लिए यह आपके जीवन का एक हार्दिक समय भी है। आप परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं, विशेषकर अपनी मानसिकता, अपेक्षाओं और दृष्टिकोण में। ये था आपका वर्ष फल। बात करते हैं साल भर के उपायों की। व्हाइट और ब्लैक जैस्पर का ब्रेसलेट पहने, तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करें, मंगल यंत्र की रोज पूजा करें, प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान करें, धार्मिक स्थानों की यात्रा जरूर करें, प्रतिदिन गायत्री मंत्र की एक माला जप करें, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। ये थे आपके साल भर के उपाय। अगर आप इन उपायों में से कोई एक या दो उपाय भी कर लेते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपको सफलता हासिल होगी, आपकी कोई परेशानी आपके सामने टिक ही नहीं सकती। अगर मेरा प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from OneWorld News.